आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। नाजीन आज एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं मालेगांव शहर तहसील ऑफिस के ऊपर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है तंज पर किसान बात आंदोलन। क्या मकसद है इसका? पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि मालेगांव शहर के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर शाहीन बाग के तर्ज पर वंचित बहुजन अकाली पूरे देश में स्टेट बाय स्टेट धरना आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। इस तरीके से कल किसानों के ऊपर वहां पर अत्याचार किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, उनके ऊपर इस्तेमाल जो लाठियों का इस्तेमाल किया गया। यहां पर अभी अभी जो वंचित बहुजन अकाली के नेता जी ने बताया कि वो किसान नहीं थे, ये बात उन्होंने यहाँ पर जाहिर की है। क्या वो कहाँ से आए थे, जांच अभी चल रही है। मकसद ये है कि किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार इतनी ज़्यादा गंभीरता से इस बात को क्यों नहीं ले रही है? क्या मकसद है? क्या वो किसानों की बात को इग्नोर कर इस देश में क्या मैसेज देना चाहती है? लेकिन यहाँ पर मौजूद लीडरों ने, नेताओं ने बताया कि हम हर हद तक किसानों के साथ, उनके समर्थन में हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए PM अब तक। भारतीय मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन पुस्तक के साथ। मालेगांव इस शहर में हम लोग हैं, इस पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो स्थिति कल से आप देख रहे हैं, बहुत दुख के साथ, खेद के साथ महाराष्ट्र वंचित युवा अघाड़ी का अध्यक्ष प्रदेश का और यहाँ सभी तमाम हमारे महाराष्ट्र की ओर से पहले जाहिर निषेध हम करते हैं। जो किसान आज 62 दिन से उस सिंगू बॉर्डर पर बैठा था, अपने बीवी बच्चे पूरे परिवार के साथ, किसी एक कौम का नहीं था, किसी जाति धर्म का नहीं है, इस देश का किसान, इस देश को चलाने वाला किसान आज वहाँ बैठा था। और क्या हुआ ये सब आप देख रहे हो। कल से जो चैनल्स थी, जो मोदी मीडिया बोला जा रहा है, उसके पीछे का आप जब चैनल देखेंगे दिन भर की, बहुत शांतिप्रिय तरीके से तिरंगे के साथ, सम्मान के साथ वो अपना आंदोलन कर रहे थे। और इसी आंदोलन के साथ कल बड़े पैमानों पे अपने अपने ट्रैक्टरों पे तिरंगा लगा के, छाती पे तिरंगा लगा के वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। इस देश में बताना चाहूंगा, किसी कौम की माता इतनी नहीं होगी जितनी पंजाब के बच्चे आज आर्मी में है। इस देश का सेवा करने वाला जवान ये सबसे ज्यादा पंजाब से है और आज उन्हीं को बोला जा रहा है कि आप खालिस्तान से हो। इसके पीछे पहले तो ये ढूंढते थे मुस्लिम की टोपी और दाढ़ी में पाकिस्तान, अब ढूंढ रहे सरदार के ईमान में पाकिस्तान। ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश की दशा और दिशा बिगाड़ने का काम ये जो जातिवादी शक्तियां कर रही है, इनको बहुत बड़ा अंकुश लगाना जरूरी है। जिस तरह से कल लाठीचार्ज हुआ है, जिस तरह से किसानों पे मार हुई है, उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। इस किसान बाग का जो आंदोलन है, अंबेडकर साहब ने पहले दिन से जाहिर कर दिया था हमारे नेता ने कि हम किसानों के साथ है। उसी धरती पे, शाहीन बाग की धरती पे आज किसान बाग संपूर्ण महाराष्ट्र में, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। उसी के मद्देनजर आज हम मालेगांव में हैं।
इस आंदोलन में यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष तमाम मुस्लिम साथी मुस्लिम भाई हमारे, क्योंकि लड़ाई एक किसान की नहीं है, ये लड़ाई उन पूंजीपतियों के खिलाफ है जो आने वाले समय में अपने देश को बर्बाद करने की ओर बढ़ रहा है। तो वहाँ पर देखा गया है कि जवानों के ऊपर भी मतलब लाठियां चलाई गई है, दिल्ली के लाल किले को नुकसान पहुंचाया गया, इसके आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए उसमें दो तरह की राजनीति हुई, आप भी देख रहे हो, आप मीडिया से हो, जो लोग किए वो कहीं ना कहीं बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। जो इंसान ठंडी में बारिश में पूरे परिवार के साथ 62 दिन से उस बॉर्डर पर बैठा था, जिसको कोई तकलीफ नहीं हुई, आज अचानक से क्यों हुआ? ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा आंदोलन डिस्टर्ब करना था, ताकि मोदी और शाह को पता था इस आंदोलन को दूसरी तरह से डैमेज नहीं कर सकते, जातिवाद नहीं लग सकता था, कुछ नहीं लग सकता था, फिर बची एक ही चीज, इसमें विध्वंस किया जाए। और उनकी पहले दिन से पूर्व कोशिश थी कि इसको किसी तरह से इस आंदोलन को डिस्टर्ब किया जाए, और उसी की तहत कल कार्रवाई हुई। मतलब जो मिलिट्रियों के जवानों पर, पुलिस के जवानों पर जो लाठीचार्ज की गई है, क्या वो किसान नहीं थे? नहीं, देखिए दो बात इसमें बहुत क्लियर है, किसान तो वहाँ बैठा ही था, वो आंदोलन कर रहा है, लेकिन जो मिसयूज माइंड मेंटेलिटी के होते, जो चाहते कि आगे इसमें अपन कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करें, तो जो वहाँ पे हुड़दंग मचाने वाले थे वो हो सकते किसान होंगे नहीं होंगे, कंफर्म नहीं बता सकते वो तो जैसे धीरे पता चलेगा। जैसे आज वो बीजेपी का सनी देओल के साथ, मोदी जी के साथ, हेमा मालिनी धर्मेंद्र सांसद के साथ, जो 24/7 रहने वाला बच्चा आज उस दीप सिद्धू जी, आज पूरे मीडिया देख रही है, भाजपा का कथनी और करने में बहुत बड़ा फर्क है। भाजप जो है ये बताती कुछ हो और करती कुछ है, जिस तरीके से साइन बाग के हुआ था उसी तरीके के हथकंडे अपना जा रहा है, आपका ये कहना 100%। ये कोई नहीं चाहते, जो देश के इनके खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही ठहराएगा, ये इनकी मास्टर रहेगा। और जब उन लोगों को, उस कौम को बता रहे, पंजाबियों के सामने देशभक्ति किसी की नहीं, पंजाबियों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, उनको तो सलाम है, सारे हिंदुस्तान ने सलाम करना चाहिए, वो सिर्फ पंजाब हरियाणा की लड़ाई नहीं लड़ रहे, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे किसान की और आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर उनके पास कुछ पूंजीपतियों के पास से मुकदमा उनके पास जाता है, तो वो पूंजीपति अपने हिसाब से देश को चलाएंगे, उस समय जो महंगाई की मार आप लोग झेलोगे, जैसे आज उन्होंने डीजल बंद कर दिया, जिस जो ट्रैक्टर हरियाणा बॉर्डर से आ रहे थे, पंजाब से आ रहे थे, तो आज सिर्फ डीजल उनके पंप थे, वहाँ डीजल बंद कर दिया, तो कल सोचो अगर अनाज रोक दिया जाएगा तो क्या हाहाकार मच जाएगा। वंचित बहुजन अघाड़ी इसको लेकर आगे की क्या तैयारी करेगी? बहुत ही ताकत से हर मोर्चे पे, हर मुकाम पे हम किसान आंदोलन के साथ में हैं। पहले दिन से हमारे नेता श्रद्धेय बाला साहब अम्बेडकर ने भूमिका जाहिर की है, कल खुद जहाँ जहाँ भी कलेक्ट्रेट पे, तहसील पे, बड़े पैमाने पे वंचित के साथियों ने ट्रैक्टर रैली लेके पहुंचे, आज भी शाहीन बाग की धरती पे हमने मालेगांव शहर में हम लोग आए, यहाँ से हम नासिक की हो रहे हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पे सभी को जागरूक होना है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, ये लड़ाई किसी एक धर्म की, जात की या किसकी नहीं है, मजहब की नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान को बचाने की, ये वो विचारधाराओं से बचाने की है जो विचारधारा आने वाली पीढ़ी में इतनी नफरत भरना चाहती है, इतनी नफरत भरना चाहती है कि वो आपस में दुश्मनी हो जाए। तो अपने को इसको सही समय में समझना है और बड़े ताकत से इस लड़ाई में किसानों का साथ देना है। बांटो और हुकूमत करो की राजनीति ये पहले से करते आए हैं।